हेलो स्टूडेंट, चलिए बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका फार्मूला है, क्या इसका न्यूमेरिकल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं डेफिनेशन की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया, normally through the surface area, that is a called क्या magnetic flux. It is shown by letter phi, Greek letter, इसे हम क्या कहेंगे, phi कहेंगे। अब अगर हमने definition लिख ली तो definition के मुताबिक अब formula भी बनाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पर कोई area ले लिया, ये देखो यहाँ पर मैंने कोई rectangle ले लिया, अब यहाँ पर मैंने क्या है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी है, ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी, दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस। अब सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली देखो, ये एरिया की डायरेक्शन है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया कैसे वेक्टर हो गया, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एरिया कैसे वेक्टर हो गया। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अगर मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को ऐसे रख दूं, अब इसकी डायरेक्शन ये भी है और ये भी डायरेक्शन है, तो टू डायमेंशनल बॉडी की जो डायरेक्शन है दोनों ही ठीक हैं। अगर थ्री डायमेंशनल की बॉडी की बात करें तो उसका हमने आउटवर्ड ही एरिया कंसिडर करना होता है, और जैसे कि आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरिया को मैंने डायरेक्शन कंसिडर किया हुआ है, एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग एक्स एक्सिस है, वैसे तो इसकी नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी है, लेकिन हमने फील्ड लाइन जो पास की है ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है हमारे पास, एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रिजॉल्व कर गया, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लाइन का मतलब ये एरिया की डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा रिजॉल्व कर गया। देखो कितने कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में, ये जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टली इसे हम क्या कहेंगे, बी कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, डेफिनेशन के लिए, तो आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया, तो यहां पर मैं लिखूंगा बी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी कॉस थीटा, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, एरिया, तो ये बन गया आपके पास बी ए कॉस थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट ए, जैसे कि आपने वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था ए डॉट बी, आपने प्लस वन क्लास में, इलेवन क्लास में पढ़ा था ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इलेवन क्लास में आपने पढ़ा था। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है, और दोनों का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ये कॉस थीटा आ गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी, किसकी भाई, फ्लक्स की यूनिट की बात करने जा रहा हूं, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, तो फॉर्मूला बी इंटू ए लिख लो, चाहे बी ए कॉस थीटा लिख लो, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मैग्नीट्यूड लेते हैं, फॉर्मूला बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको पता है टेस्ला होती है, ठीक है, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका हमने नाम दे दिया क्या, वेबर, डब्ल्यू बी लिख दिया, फुल फॉर्म है वेबर, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वेबर। इसी तरह से हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट आपको बताया गया क्या, गॉस, और एरिया की क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका नाम दिया गया है मैक्सवेल, या आपने बस याद रखना है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कहेंगे, मैक्सवेल कहेंगे। चलिए अब इसके हम रिलेशन की बात कर लेते हैं, एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, जैसे आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वेरी सिंपल, छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हो, अब इनका आपस में भी रिलेशन होगा, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की है, एक न्यूटन में कितने डाइन, 10^5 डाइन, एनर्जी की यूनिट क्या है, जाउल है, अर्ग क्या है, सीजीएस में है, एक जाउल कितना हो गया, 10^7 अर्ग, उसी तरह से अब 1 टेस्ला में, 1 वेबर में कितने मैक्सवेल, तो हम हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन
SI एंड CGS। तो हमें मालूम है कि 1 वेबर, अभी हमने बनाया टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं, यहां पर मैंने 1 लगा दिया, इसको भी मैंने 1 लगा दिया, यहां पर भी 1 लगा दिया। अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं, 1 टेस्ला में आपको पता है कितने गॉस हैं, 10^4 गॉस, मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये कितना बन गया, 10^4 बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ये रहा 10^4 और 4 मिलके क्या बन गया 10^8, ये बन गया गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने क्या बोला, यहां पर मैक्सवेल बोला। तो लीजिए ये बन गया आपका रिलेशन, 1 वेबर इक्वल टू 10^8 मैक्सवेल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS। अब हम डायमेंशन भी निकाल ही लेते हैं इसकी फटाफट, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। डायमेंशन, चलिए डायमेंशन निकालते हैं, किसकी डायमेंशन निकालनी है, फ्लक्स की, तो B इंटू A, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, B क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, A क्या है, एरिया है, इनकी हमें डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। अब 11th क्लास में आपने डायमेंशन बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया की डायमेंशन होती है, भाई फॉर्मूले से याद रखो, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला है, तो ये डायमेंशन क्या बन गया, एल इंटू एल, क्या बन गया, एल स्क्वायर। अब बी के लिए मैंने आपको बताया होगा पहले, एफ इजिकल टू क्यू वी बी, अगर नहीं बताया तो नोट कर सकते हो, एफ इजिकल टू क्यू वी बी या एफ इजिकल टू बी आई एल, वेरी सिंपल, आपने 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमने बी की डायमेंशन निकालनी है। अब बी की डायमेंशन के लिए मैंने कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, तो एफ इजिकल टू बी आई एल से मैंने क्या करना है, बी की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है जी, क्या बन गया, एफ बाई आई एल। अब फोर्स की डायमेंशन 11th क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद ही होगा तकरीबन सबको, MLT-2, अगर नहीं मालूम है तो भाई फॉर्मूला लिखो, क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन आपको पता है m होता है, और एक्सेलरेशन की आपको नहीं मालूम है तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर फिर कैपिटल डी बहुत ही आसान है, अगर आपको डायमेंशन भी नहीं आती है तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, तो ये आ गया कैपिटल डी, ये डिस्प्लेसमेंट एल, ये बन गया LT-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन, यहाँ पर फिल करो, ये बन गया आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, ये रहा जी आपके पास फोर्स की डायमेंशन, बोलो MLT-2 मैंने लिखा दिया कि लिखा दिया, देखो इसी तरह से करंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए, लेंथ की क्या हो गई, एल, ये एल से एल कैंसिल, ये आ गया MT-2 × A-1। अब ये किसकी डायमेंशन आई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन लिखते हैं क्या, MT-2 × A-1, ठीक है, एरिया क्या है, एल स्क्वायर, क्या बन गया, MLT-2 × A-1, तो ये रही आपकी डायमेंशन। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे अगले वीडियो, थैंक यू।